हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम शिमला में हैं और यहाँ के एक लेस एक्सप्लोर्ड एरिया में आपको ले जा रहा हूँ। तो जैसे आप रिज हो या लोअर मॉल हो या लोअर बाज़ार हो, यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है लोगों की। जैसे काफ़ी सारे लोग यहाँ आना पसंद करते हैं, या अपनी शॉपिंग वगैरह के लिए या ऐसी सैर सपाटे के लिए लोग आते हैं, तो बहुत भीड़ होती है। तो मैं एक्चुअली यहाँ से ज़रा सा आउट ऑफ द वे मैं जाना चाहूँगा आज, और आपको कुछ ऐसे एरियाज बताना चाहूँगा जो लेस एक्सप्लोर्ड हैं एंड लोग कम आते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जैसे इमारत, बहुत पुरानी इमारत आपको मिल जाएंगे। तो एक्चुअली मैं इसका जो सिग्निफिकेंस है, आपको एक एक जो बिल्डिंग है ये सब मैं आपको ऑन द वे दिखाऊँगा। सो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एंड द प्लेस इज़ चौड़ा मैदान ऑन द वे टू द ऑब्जर्वेटरी हिल। सो दोस्तों, इस एरिया में जैसे जो ओल्ड सिग्निफिकेंस है इस एरिया का, यहाँ पर एक पीटरहॉफ नाम का एक बिल्डिंग हुआ करता था, दैट इज़ एक पूरा प्री इंडिपेंडेंस में। तो जैसे इस जो ये बिल्डिंग है, इसका जो महत्व ये है कि यहाँ पर 7 जैसे वाइसरॉयस वो यहाँ पर रहते थे, और जैसे गवर्नर जनरल्स भी यहाँ पर, यहीं पर उनका निवास स्थान था। तो जो पीटरहॉफ बिल्डिंग है, उस वजह से ये चौड़ा मैदान काफ़ी फेमस हुआ था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्चुअली इस पीटरहॉफ बिल्डिंग को इन्होंने पंजाब कोर्ट बना दिया था। और यदि आप जानते होंगे तो नथुराम गोडसे, उनका ट्रायल यहीं पर हुआ था एक्चुअली, इसी कोर्ट में। तो कुछ दिनों बाद इस कोर्ट को भी डिसमेंटल किया गया था और इसे गवर्नर्स रेजिडेंस बना दिया गया। जैसे उस ज़माने में कहते थे ना राजभवन, गवर्नर्स रेजिडेंस, ये बना दिया गया। तो आज के तारीख में तो ऐसा कुछ नहीं है, आज काफ़ी सारे ऐसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है वहाँ पर, और वहाँ पर जैसे हिमाचल स्टेट म्यूजियम, बर्ड सेंचुरी, ये सब कुछ है। तो चलिए दोस्तों, वहाँ चलते हैं एंड आपको ऑन द वे बहुत कुछ दिखा दूंगा मैं। चलिए और दोस्तों, ये इसे स्कैंडल पॉइंट कहते हैं, जो आप देख पा रहे हो ये है मेनली संगम है ऑफ द मेन रिज ऑफ द मार्केट टूवर्ड्स द कालीबाड़ी मंदिर एंड टूवर्ड्स द चौड़ा मैदान। तो ये मैं आपको, ये जो आप देख रहे हो ना, पुलिस का जो एक मेन स्तंभ लगा हुआ है, ये इसका मेन आइडेंटिफिकेशन है। एंड लाला लाजपत राय जी का जो ये स्टैचू आपको नज़र आ रहा है, ये इसका मेन आइडेंटिफिकेशन है। तो ऐसे कहानियाँ तो काफ़ी सारी है इस जगह की। जैसे जहाँ पटियाला के राजा जी ने वायसराय की बेटी को भगा ले गए थे, इसके लिए स्कैंडल हुआ था यहाँ पर, इसके लिए स्कैंडल पॉइंट कहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं, दैट इज़ टूवर्ड्स द चौड़ा मैदान। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से सीधे चलते हैं, वी विल मार्च टूवर्ड्स द चौड़ा मैदान। एंड ऑन द वे आपको जैसे इंडियन कॉफ़ी हाउस वगैरह, ओल्ड एस्टेब्लिशमेंट्स भी दिख जाएंगे। चलिए सीधे चलते हैं आप यहाँ से। तो दोस्तों, ये जो आप पीछे देख रहे हो, दिस इज़ द एंड ऑफ द स्मॉल रोड, जो ऊपर जो मेन मार्केट है। अब यहाँ से हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं टूवर्ड्स द चौड़ा मैदान, और ये रूट आप देख लीजिए, यहाँ से सीधे आपने निकल जाना है टूवर्ड्स द ये चौड़ा मैदान। एक्चुअली ये ऑब्जर्वेटरी हिल की ओर चलती है, जहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था वाइसरीगल लॉज हुआ करता था, जो आज इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहते हैं उसको। तो इस रूट से हमें सीधे चलना है। चलिए, तो दोस्तों इसी रूट से हमने सीधे चले जाना है। तो हमें इस तरह के काफ़ी सारे ओल्ड इमारत दिख जाएंगे, और इसकी एक खासियत मेन यही है कि जैसे आपने रिज में देखा या आपने मार्केट में देखा, इस तरह से इस यहाँ पर भीड़ नहीं होती है लोगों की। तो जैसे अधिकारी लोग या ऑफिशियल्स ही यहाँ पर आपको दिखेंगे।
तो ये जो आपको इस तरफ जो देख रहे हो, दिस इज ये आर्मी लोगों का एक हेडक्वार्टर्स है, जो ट्रेनिंग एकेडमी या वेस्टर्न कमांड इनका ऑफिस, इनके ऑफिसेस हुआ करते थे यहाँ पर। तो यहाँ से हमने सीधे चले जाना है, आपको आगे भी और बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखाऊंगा मैं। सो दोस्तों, जो आप पीछे देख रहे हो, पीछे की ओर मेरे पीछे देख रहे हो, दिस इज़ द आर्मी हेडक्वार्टर्स हुआ करता था एक ज़माने में, जो वेस्टर्न कमांड का भी ये एक ज़माने में हेडक्वार्टर्स था। तो ऐसे काफ़ी सारे बिल्डिंग्स में और आगे भी दिखाऊंगा। इसके आगे मैं आपको ऐसे कुछ आर्मी ने ऐसे कुछ इरेक्ट किया हुआ है, जो इन्होंने जो कारगिल वॉर या ऐसे कुछ जीता था ना, उसकी एक ये स्टैचू वगैरह इरेक्ट किया हुआ है, वो आपको आगे दिखाऊँगा। ये देखिए दोस्तों, ये है वो इमारत जिसकी मैं बात कर रहा था, माई कंट्री माई मिशन माई कॉमरेड्स माई ड्यूटी। तो ये इन्होंने इरेक्ट की हुई है आर्मी वालों ने, और कितना सुंदर लग रहा है देखिए, एक देश प्रेम सब में जागृत करने के लिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, ये देखिए, आपको काफ़ी सारे ट्रीज वगैरह दिख जाते हैं इस रूट पर, और भीड़ नहीं है तो आप कम्फर्टेबली वॉक कर सकते हो, और आप नज़ारे ले सकते हो, यहाँ से माउंटेंस भी दिख जाते हैं, और उसके भी नज़ारे मैं आपको दिखा दूंगा। तो अपने स्ट्रेट हमने जाना है अभी। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ना, ये बैंटनी हिल की ओर जाती है ये सड़क, और वो है कालीबाड़ी मंदिर। और ये देखिए दोस्तों, ये सीनरी देखिए, यहाँ से कितना सुंदर दिख रहा है, ये सारे शिमला के जो सेवन हिल्स के का एक संगम है ये। तो देखिए कितना सुंदर है ये, और इस रूट पे आप इस तरह के काफ़ी सारे नज़ारे देख सकते हो। चलिए आगे चलते। और ये देखिए दोस्तों, ये एक और इमारत है, जो दिखने में एक्चुअली प्राचीन इमारत जैसा लग रही है, बट आज के तारीख में यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस वगैरह स्थित है। तो इस बिल्डिंग को देखिए, आई मीन जो ब्रिटिशर्स ने जो बनाई थी, अंग्रेज़ों ने जो बनाई थी ना, वो कम से कम 100-200 साल का उनके लाइफ स्पैन में इन्होंने बनाई थी। तो ये देखिए, आज भी ये इमारत कितना चट्टान की तरह मजबूत है, और देखिए कितना खूबसूरत बनाया था इन्होंने। अब यहाँ से आगे चलते हैं। एक्चुअली यहाँ पर आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, दैट इज़ इनका एक गॉटन कैसल था, जो एक अंग्रेजी अधिकारी गॉटन के नाम से बनाया गया था, और आज के तारीख में यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल ऑफिस हिमाचल प्रदेश स्थित है। चलिए वो इस बिल्डिंग की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हो ना, दिस इज़ ये एक प्रसिद्ध गॉटन कैसल हुआ करता था एक ज़माने में, और काफ़ी यहाँ पर आग वगैरह लग गई थी, तो ये बंद हुआ था कुछ देर तक, और आज के तारीख में यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल ऑफिस ऑफ हिमाचल प्रदेश स्थित है। तो ये है वो बिल्डिंग, बहुत ही प्राचीन बिल्डिंग है दोस्तों, एंड अ हेरिटेज साइट। सो दोस्तों, ये है गॉटन कैसल, जो एक ज़माने में ब्रिटिश के ज़माने में प्रसिद्ध थी, और यहाँ पे आज अकाउंटेंट जनरल ऑफिस हुआ करता था, बट अभी ये इस समय ऑन रिनोवेशन है, ये दिस इज़ अंडर रिनोवेशन। सो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हो ना पीछे गॉटन कैसल, इस तरह से काफ़ी सारे ब्रिटिश के बनाए हुए इमारत है यहाँ पर, जो कम से कम 100-200 साल तक ऐसे ही रहेंगे, ऐसे चट्टान की तरह मजबूत रहेंगे ये। तो ये तो एक्चुअली एक ज़माने में जल गया था, मगर इस समय ये रिनोवेट कर रहे हैं, और जिस समय रिनोवेट कर देंगे तो इसका ओल्ड चार्म फिर से लौट आएगा। तो दोस्तों, ये हमने अभी देखा गॉटन कैसल। अब यहाँ से हम बढ़ेंगे ऑल इंडिया रेडियो की ओर, और ये रोड भी बहुत ही सुंदर है, और काफ़ी कम भीड़ है, और दोनों तरफ फॉरेस्ट स्टेशन हैं, तो आप ये ट्रिप भी एंजॉय करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स चौड़ा मैदान, और ये रोड देखिए, दोनों तरफ फॉरेस्ट स्टेशन है और काफ़ी कम भीड़ है, तो ऐसे इट्स अ गुड फॉर आवर वॉक, जैसे आप मॉर्निंग वॉक ले सकते हो या फिर एक ट्रैक ले सकते हो ऑल थ्रू आउट द डे। तो वो ऑल द रोड भी ऐसे ही होता ही है, यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आती है, तो इसे एंजॉयबल है दोस्तों इस तरह का एक ट्रैक।
या फिर इस तरह का एक हाइक। और दोस्तों ये जो आप इमारत देख पा रहे हो ब्लू इमारत, ये है यहाँ शिमला का ऑल इंडिया रेडियो। वैसे इंडिया में तो ऑल इंडिया रेडियो 1938 में स्थापित हुई थी, बट शिमला में अराउंड 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और यही से रेडियो पूरे शिमला रीजन की ओर वोकल करते हैं। और ये है प्रसिद्ध ऑल इंडिया रेडियो फ्रॉम शिमला। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था पिछले अपना जो मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये है ऑल इंडिया रेडियो। यही से पूरे शिमला एंड जो हिमाचल प्रदेश को ब्रॉडकास्ट होती है यहाँ से, जो इनके वेरियस चैनल्स हैं जो 88 या जो भी है। और जैसे आप जानते होंगे ना, ऑल इंडिया रेडियो AIR जो है, जो एक ज़माने में इसे जैसे आकाशवाणी के नाम से भी जानते थे, सो जो प्रसिद्ध नाम था वो है आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो AIR। तो दोस्तों यहाँ से हम और आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स चौड़ा मैदान। तो आपने इतने तो आपने देख ही लिया होगा कि रोड कैसा है। काफ़ी सारा वेजिटेशन है एंड ट्रीज है, फॉरेस्ट है, और लोग भी काफ़ी कम है। तो ऐसे कंफर्टेबल लगता है इस तरह के एरियाज़ में आपको वॉक करना, ऐसे शेडी पैच में आपको वॉक करना। अब दोस्तों मैं आपको आगे लेबर ब्यूरो बताऊंगा। यह शिमला में जो लेबर ब्यूरो है उसके दो ब्रांचेस हैं, जैसे एक है शिमला में और एक है चंडीगढ़ में। और ये भी काफ़ी पुराना प्रॉपर्टी है ये। और जैसे लोग पुराने ज़माने में जब शिमला 1971 के करीब यहाँ पर ये इस्टेब्लिश हुआ था लेबर ब्यूरो, एंड जैसे लोगों को रोज़गार वगैरह देने के लिए ये मेनली लोग यहाँ कार्यरत थे। तो मैं आपको लेबर ब्यूरो उसके आगे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे कुछ मित्र हुआ करते थे एक ज़माने में, बट आज के तारीख में वो नहीं है। प्रॉब्ली वो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, या फिर पता नहीं मुझे, या शिमला में शायद वो नहीं है। बट एनीवेज मैं आपको ये इमारत दिखा दूंगा लेबर ब्यूरो। इसे देखिए आगे, ऐसे काफ़ी सारे हैं दोस्तों इमारत। और दोस्तों ये है लाइब्रेरी, यहाँ का डॉक्टर BR अंबेडकर को ये समर्पित है। ये डॉक्टर BR अंबेडकर लाइब्रेरी है। अब यहाँ से हमने सीधे चले जाना है। दोस्तों ये है प्रसिद्ध केनेडी कॉटेज जो आप देख पा रहे हो, ये भी ऑन द वे टू चौड़ा मैदान है। अब इससे आगे आपको दिखाएंगे लेबर ब्यूरो। सो दोस्तों ये है लेबर ब्यूरो जो आप देख पा रहे हो, 46-47 में एक्चुअली एस्टेब्लिश हुआ था ये, एंड अराउंड 1971 में इसे एक अलग विंग डिक्लेयर किया गया था। और एक्चुअली ये इसके दो ब्रांचेस है, एक चंडीगढ़ में है और एक शिमला में है। तो ये है दोस्तों लेबर ब्यूरो जो रोज़गार के लिए बनाई गई थी ये। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं टूवर्ड्स चौड़ा मैदान। अब ये वी रोड जो आप देख रहे हो, इससे सीधा हमने चले जाना है। और पहले आएगा होटल ओबरॉय सिसिल, और सिसिल से जस्ट आगे चौड़ा मैदान। और दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हो ना टीवी टावर जैसा, इसके थोड़ा ज़रा आगे जाएंगे ना तो वहाँ पर ऑब्जर्वेटरी हिल है, जो वाइस रीगल लॉज था एक ज़माने में, और आज के तारीख में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं दोस्तों। तो ये जो आप रोड देख रहे हो, ये है, ये जो मार्केट प्लेस है ये लीड कर रहा है चौड़ा मैदान की ओर। सो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हो यही है सेसिल होटल। सो दोस्तों यही है चौड़ा मैदान जो है अराउंड 2100 मीटर्स अबव सी लेवल। तो एक्चुअली ये शिमला से काफ़ी नज़दीक है, तो आप जैसे वॉक कर सकते हो। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो, दिस इज़ द सेसिल होटल, जिसे जो फेमस सेसिल होटल है जो आज ओबेरॉय ग्रुप के पास है, ये एक्चुअली ब्रिटिश ज़माने में बनाया गया था ये सेसिल होटल। और एक मोहन सिंह ओबेरॉय ने, जो उनके कर्मचारी हुआ करते थे, उन्होंने ये होटल उनसे परचेस किया था। तो उन्होंने फिर इस होटल को काफ़ी रिनोवेट किया। सो आज के ज़माने में जो फेमस ओबेरॉय ग्रुप है उनकी प्रॉपर्टी है ये। तो ये देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट 5-स्टार होटल्स है शिमला के। तो चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो रेंट भी इसका अराउंड 21,000 के करीब है पर नाइट। तो अब हम चलते हैं, अभी ये आपको इनवरम हिल मैंने दिखाया था, जहाँ पर टीवी टावर आपने देखा है उसे इनवरम हिल कहते थे। और उसके आगे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, दैट वाज द वाइस रीगल लॉज, जिसको ऑब्जर्वेटरी हिल कहते हैं, और आज वहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है। तो वहाँ भी काफ़ी सारे हमारे टूरिस्ट विजिट करते हैं टू विजिट द एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो ये होटल में भी काफ़ी सारे ऐसे ब्रिटिश के आर्टिफैक्ट्स प्रिजर्व किए गए हैं,
और यहाँ पर आप देख रहे हो दिस इज द चौड़ा मैदान। अभी वैसे मैदान तो नहीं है ये, बट इट इज़ लाइक अ मार्केट प्लेस राइट नाउ। जैसे मैंने आपको पीटर हॉफ बिल्डिंग की बात की थी कुछ देर पहले, दैट वो चौड़ा मैदान की खासियत थी एक ज़माने में, पर आज तो ऐसा कुछ नहीं है। मेनली यही है मार्केट प्लेस, और मेनली आज के तारीख में चौड़ा मैदान जाना चाहता है इसके लिए, दैट इज़ द ओबेरॉय सेसिल होटल। सो दोस्तों यही था एक छोटा सा ट्रिप टू चौड़ा मैदान। सो दोस्तों फाइनली जो आपको मैंने सेसिल होटल दिखाया उससे जस्ट अबाउट 5 या 10 कदम पर, या पीछे देख पा रहे हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक स्टैचू है, दैट इज़ उनकी एक मूर्ति है यहाँ पर। तो यही है दोस्तों चौड़ा मैदान, जिसको ना ही ये चौड़ा है ना ही मैदान है, बट इसे चौड़ा मैदान कहते हैं, जो शिमला का एक मेन डेस्टिनेशन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज है ऑफ शिमला। तो दोस्तों मैं ये कैमरा आप घुमा रहता हूँ, तो आप ये अम्बेडकर जी की स्टैचू आप देख लीजिए, और इसके ठीक बगल में बना हुआ है स्टेट म्यूज़ियम, तो उसका भी मैं एंट्रेंस आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ से हम लौटेंगे। तो आपने आपको मार्केट होते हुए हम वापस चलेंगे, ठीक है? तो दोस्तों ये देख लीजिए आप फाइनली चौड़ा मैदान। सो दोस्तों ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा था जो सामने आप देख पा रहे हो, सो दिस इज़ द एरिया जो आप देख पा रहे हो इस समय, दिस इज़ द चौड़ा मैदान एरिया, और सामने जो आप देख पा रहे हो दिस इज़ द स्टेट म्यूज़ियम, जो ऊपर की ओर जो सड़क जा रही है, दिस इज़ द हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम। तो ये सारे एक ही लोकेशन पर है, और बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है दोस्तों ये। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो दोस्तों यही था एक ट्रिप फ्रॉम शिमला टू चौड़ा मैदान, और मैंने आपको ये जो इमारत है ये भी बताया मैंने, जैदस सेसिल होटल ओबेरॉय सेसिल। तो यहाँ से किसी दिन आप वॉक करके भी आ सकते हो, और यहाँ से अराउंड 15-20 मिनट्स वॉक करोगे तो ऑब्जर्वेटरी हिल पहुँच जाओगे यहाँ से, दैट इज़ मैंने जो बताया था आपको, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। तो यही था दोस्तों एक छोटा सा ट्रिप फ्रॉम शिमला टू चौड़ा मैदान। तो काफ़ी ऐसे पीसफुल एरिया है टू वॉक, टू ट्रैक और टू हाइक। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हो, प्लान कर सकते हो अपना ट्रिप। और अब यहाँ से मैं लौटूंगा बैक टू शिमला, और आपको ये रास्ता, ये सारे जो रोड है मैं आपको फिर से दिखा दूंगा ऑन द वे। तो इस वीडियो को, इस कमेंट्री को मैं यहीं पर समापन कर रहा हूँ, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट शिमला एडवेंचर में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए एंड स्वस्थ रहिए, एंड हैव अ प्लेजेंट डे। बाय बाय। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.